हेलो माय डियर स्टूडेंट स्टूडेंट मैं हूँ हार्दिक बरवालिया और हम सीख रहे थे क्लास 10 का मैथ्स। तो स्टूडेंट मैथ्स में हम सीख रहे थे चैप्टर नंबर 8 और इसमें भी हम पहुंच गए थे एक्सरसाइज 8.4 में और उसका सम नंबर 2। तो चलिए मेरे साथ आज सीख लेते हैं सम नंबर 2 और 3 को। डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, राइट द ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रेशियो, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक जो हमारे रेशियो है ना साइन कॉस टेन उसके बाद कॉसेक कॉट ऑफ एंगल ए, यानी कि थीटा की जगह पर हमें ए लिखना इन द टर्म ऑफ सेक ए, यानी कि सभी जो टोटल 6 फंक्शन है तो 6 में से हमें 5 फंक्शन को सेक के फॉर्म में लिखा क्योंकि एक तो खुद सेक होगा ही होगा तो सभी को सेक में कन्वर्ट करना है धीरे धीरे। तो हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए, मैंने अगले वीडियो में बता दिया कौन से, या तो इनवर्स करके देख की, चेक कीजिए या तो स्क्वेयर करके। आपके पास टोटल 6 आइडेंटिटी है, सभी का यूज करना है। यहाँ पर बारी बारी कर देते हैं। तो पहला हमारा है साइन ए, तो साइन को हमें ले जाना है सेक में, लेकिन साइन को और सेक को डायरेक्ट कोई कनेक्शन है नहीं। जी हाँ, अगर मैं साइन को कॉस में ले जाता हूँ तो कॉस को और सेक को रिलेशन है, तो साइन को बच्चों में कॉस में कैसे ले जाऊंगा, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने मैंने फॉर्मूलाज रख दिए हैं। तो साइन को कॉस में ले जाना है तो आपको क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। आप साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर लाएंगे पहले, तो स्क्वायर लाना है आपको तो स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप स्क्वायर कर सकते क्योंकि स्क्वायर और रूट निकल जाएगा तो वही का वही आंसर रहेगा, सिंपल। आपका टारगेट कंप्लीट हो गया। चलिए अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर रूट एज इट इज रहेगा, साइन स्क्वायर की प्लेस पर आइडेंटिटी यानी कि स्क्वायर आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर सकते हैं हम। अब क्या करेंगे बच्चों, तो अब यहां पर मैं आपके सामने दूसरा एक पेज रख देता हूं, उसमें क्या करना है देखिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि भाई कॉस होगा तो उसकी प्लस पर आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक ए लिख सकते हैं। दूसरा कुछ नहीं देखना, आपको यहाँ पर स्क्वायर दिया है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, क्यूब दिया है तो क्यूब आएगा, कुछ भी आ सकता है ओके। लेकिन आप उसको इनवर्स में सेक लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी मैं ऐसे ही करूंगा कि भाई मेरे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए स्क्वायर लगा सकते हैं ओके, और इनवर्स कर देना है, सिंपल। तो मेरा आंसर सेक में आ गया। अभी भी इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। तो यहाँ पर डिवाइड में मुझे एलसीएम लेना हो तो सेक स्क्वायर ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और डिवाइड में हो जाएगा sec स्क्वायर a। चलिए अब दोनों में जो रूट है दोनों को देते हैं, तो न्यूमेरेटर में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर sec स्क्वायर a माइनस 1 और डिवाइड में अगर रूट देंगे तो रूट और स्क्वायर निकल जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ sec a हो जाएगा, यानी कि मैंने साइन को sec के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया आपको, आपके पास 2 ही आइडेंटिटी है, तो इनवर्स वाली यूज कर लीजिए या तो स्क्वायर वाली यूज कर लीजिए। तो इसी तरह से हमारा दूसरा फंक्शन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दूसरा फंक्शन हमारा होगा कॉस ए, है ना, हमें थीटा की जगह पर यहाँ ए लिखना है ऐसा बोला है, तो कॉस ए को सेक में करना है, हमें तो सभी को सेक में ही करना है, तो बहुत ही इजी। कॉस को डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक, हमने अभी सीखी आइडेंटिटी कौन सी, इनवर्स वाली, तो मैंने लिख दी यहाँ पर ओके। तो डायरेक्ट आंसर मिल गया है मुझे। अब मुझे थर्ड करना है, थर्ड कौन सा है हमारा, टेन ए। तो बच्चों टेन ए यानी क्या लिख सकते हैं, हमें सेक में जाना है तो टेन और सेक को डायरेक्ट रिलेशन है, यस। क्या देखना है आपको, स्क्वायर आइडेंटिटी, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके पास स्क्वायर आइडेंटिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास टेन स्क्वायर है तो आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर है माइनस 1, लेकिन आपके पास टेन का स्क्वायर होना चाहिए बच्चों। तो स्क्वायर तो आपको इजीली यहाँ पर मिल जाएगा, कैसे, आपको स्क्वायर चाहिए तो देखिए मैं आपको दिलवा देता हूँ। तो पहले तो आप रूट दे दीजिए और टेन का स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पर स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा आंसर 10 का 10 ही रहेगा ना। अब स्क्वायर मिल गया है तो उसकी प्लेस पर हम क्या, उसकी प्लेस पर हम आइडेंटिटी पुट करेंगे कौन सी, तो टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, बात फिनिश हो गई, इसका कोई सिंप्लीफिकेशन आगे होगा नहीं ओके। चलिए अब बात करके हमारे 2 फंक्शन बाकी रह गए हैं उसकी, तो वो बहुत ही इजी है। हमारा फोर्थ वाला फंक्शन कौन सा हो जाएगा, साइन, तो कॉस एक लिख देते हैं यहाँ बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए कॉस एक यानी क्या, साइन का इनवर्स। तो जो भी मेरा साइन का आंसर मिला है उसका मैं उल्टा कर दूंगा, तो डायरेक्ट कॉस एक को भी हम सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए मेरा आंसर क्या मिला है, साइन का अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक, तो मुझे कोसेक को भी ऐसे लिखना है तो इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली यहां पर सेक ए डिवाइड में
अंडर रूट करके क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर a माइनस वन, हो गई बात फिनिश। चलिए उसके बाद sec, तो sec तो हमें क्वेश्चन में दिया है, उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। और लास्ट हमारा कौन सा बाकी रह गया है, फाइव नंबर वाला cot a। तो cot a यानी आपको पता होगा cot a में भी ऐसा ही कुछ जुगाड़ चलेगा, क्या चलेगा जुगाड़, तो कभी tan का इनवर्स होगा, तो tan का आंसर है अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस वन, इसका उल्टा यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा कुछ नहीं होगा तो, और डिवाइड में हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस वन। तो देखिए इसी तरह से आपको थोड़ा सोचना है, और सभी को मैंने sec में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है। तो आपको पहले तीन फंक्शन ही करने थे, बाकी के दो तो आपको इजीली मिल जाएंगे, और लास्ट तो sec ही होगा, तो sec में तो हमें करना है, तो sec को sec में थोड़ी करते हैं, वही वही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू था, हमने फिनिश कर दिया। तो चलिए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर थ्री में। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर थ्री दिख रहा है, आपको इवेल्यूएट करना है यानी कि वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पर वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो ऊपर देखिए न्यूमेरेटर में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन वन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सम नंबर वन, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, दोनों साइन स्क्वायर। भाई बच्चों आपका दिमाग चलना चाहिए कि अगर आपके पास स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होगी तो आपको क्या चाहिए, साइन स्क्वायर ए, उसके साथ में चाहिए कॉस स्क्वायर ए, तो आप इसका आंसर वन लिख सकते हैं, है ना, सिंपल। यानी कि मुझे इन दोनों में से किसी एक को क्या कर देना है, कॉस में कन्वर्ट कर देना है। तो साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करें, आपके पास क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं यहां पर साइन 90 माइनस ए वाला फॉर्म कर दूं तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं हम, साइन का कॉस हो जाएगा और 90 निकलकर डायरेक्टली एंगल ए आ जाएगा, है ना। तो इन दोनों आइडेंटिटी का यूज यहां पर आप करेंगे, ओके। तो इसी तरह से आपको थोड़ा दिमाग चलाना है। तो देखिए यहां पर नीचे भी ऐसा ही करेंगे, दोनों कॉस वाले हैं तो किसी एक को क्या कर देंगे, साइन में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि हमारी आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाली बन जाए। यहां पर स्क्वायर है यानी ऐसा नहीं कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटी नहीं बन सकती, बन सकती है ना, यहां पर हम स्क्वायर लगा देंगे, साइन का स्क्वायर तो आंसर भी कॉस का स्क्वायर मिलेगा, ओके। 90 माइनस ए तो रह गई रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो रह गई और स्क्वायर भी रहेगा। तो देखिए यहां पर जो पहला फंक्शन है उसको हम एज इट इज लिखते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस यहां पर साइन स्क्वायर, मुझे 90 वाला फॉर्म बनाना है तो 27 भी बचना चाहिए। और आपने कहावत सुनी है ना कि भाई सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, हमें भी ऐसा ही करना है, 27 तो रहना ही चाहिए और 90 भी चाहिए। तो 90 आपको रखना है, तो 90 में से मैं कितना माइनस करूंगा, तो 27 का 27 रहेगा, तो बच्चों 63 आप करके देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 90 में से 63 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 8, तो 2 और यहाँ पर 7 बचा 27, वही का वही रह गया ना। डिवाइड में भी ऐसे ही करेंगे, किसी एक टर्म को हम चेंज कर देंगे, तो पहला चेंज कर देते तो पहला है कॉस स्क्वायर, तो हमको 70 को निकाल देना है, 90 लाना है, तो 90 माइनस कितना करेंगे तो 17 रहेगा बच्चों, 73 माइनस करना पड़ेगा आपको, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री एज इट इज। एक फंक्शन को चेंज करना है, एक फंक्शन आपको एज इट इज लिख देना है, ओके। तो चलिए ऊपर पहला तो वही का वही रहेगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस यहां पर देखिए साइन स्क्वायर 90 आ गया, तो फंक्शन आपका निकल जाएगा साइन और वहां पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर, 90 निकलकर डायरेक्टली 63 डिग्री हो जाएगा। डिवाइड में भी कुछ ऐसा ही होगा, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर निकल जाएगा, वहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर और डायरेक्टली 90 को निकालकर 73 डिग्री और प्लस में है क्या, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आपको यहां पर बच्चों दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, तो जो मैंने आपको पहले ही बोला वही कि भाई साइन स्क्वायर थीटा, थीटा यानी कोई भी एक एंगल, दोनों में सेम होना चाहिए, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है बन रहा है यहां पर, यानी कि उसका आंसर हो जाएगा वन। डिवाइड में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए यानी कोई भी एक एंगल, लेकिन दोनों में सेम होना चाहिए, हो गया है तो उसका भी वन, वन वन कैंसल, यानी कि आंसर वन ही रहेगा भाई, कुछ नहीं होगा तो कटिंग होगा तो वन ही रहेगा, यानी हमने इवेल्यूएट कर दिया, जो हमें क्वेश्चन दिया था उसका आंसर होगा वन। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का सम नंबर वन फिनिश कर दिया, तो आइए मेरे साथ ऐसा ही क्वेश्चन नंबर थ्री का सम नंबर टू भी देख लेते हैं। तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन टू आप देख लीजिए, साइन 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। बच्चों यहां पर आपके पास कितने टर्म है, टोटली दो टर्म है और बीच में प्लस है, तो हमारे प्लस आइडेंटिटी कौन सी है, साइन स्क्वायर है, यानी कि ऊपर स्क्वायर होना चाहिए और बीच में प्लस होना है, तो यहां पर कॉस स्क्वायर होना चाहिए, इज इक्वल टू हम वन लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर मुझे स्क्वायर लाना है, आप सोचिए यहां पर स्क्वायर लाना हो तो दोनों टर्म इक्वल होने चाहिए, यहां पर दोनों साइन होने चाहिए, यहां पर दोनों कॉस होने चाहिए, तो ये हम स्क्वायर कर सकते हैं। और दूसरी मेथड, दूसरा आप कैसे सोच सकते हैं, तो यहां पर आपको सभी एंगल सेम करने हैं, यहां पर 25 तो यहां पर भी 25 को निकाल दीजिए, या तो यहां पर 65 तो यहां पर
भी 65 को निकाल दीजिए, सभी एंगल 25 कर दीजिए या तो 65 कर दीजिए। तो चलिए पहला हमारा स्टेप क्या है, अगर हमें 65 को निकालना है तो चलिए दोनों टर्म में से 65 को निकाल देते हैं। तो यहाँ पर साइन 25 एज इट इज, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस, तो 90 माइनस कितना करेंगे तो 65 रहेगा बच्चों, तो 90 माइनस 25 आपको करना पड़ेगा। ओके, प्लस यहां पर भी कॉस 25 तो एज इट इज ही लिखना है ना आपको, और यहां पर क्या हो जाएगा साइन 65 को निकालना है तो 90 माइनस 25 आप लिख सकते हैं। मैंने 65 वाले टर्म को 25 में कन्वर्ट कर दिया, 90 वाला फॉर्म ला दिया है, अभी वो टर्म हमारा हट जाएगा। देखिए कैसे, तो पहला साइन 25 एज इट इज, यहाँ पर कॉस के साथ 90 आ गया, इनकी कॉस का हो जाएगा साइन 90 निकलकर 25 डिग्री, प्लस यहाँ पर कॉस 25 तो एज इट इज ही रहेगा, यहाँ पर साइन के साथ 90 यानी साइन निकलकर कॉस हो जाएगा, 90 निकलकर डायरेक्टली 25। तो अब यहाँ पर आप डायरेक्टली देख सकते हैं साइन 25 साइन 25, तो उसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25, है ना, टू टाइम्स होगा तो स्क्वायर कर सकते हैं ना, प्लस यहाँ पर भी कॉस 25 कॉस 25 तो कॉस स्क्वायर 25। अब ऐसे ही सिंप्लीफाई करते करते हमें आंसर भी मिल गया। देखिए आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं कैसे मिल गया मुझे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ए यानी कोई भी दोनों में सेम एंगल होना चाहिए, तो इसका आंसर यहाँ पर से मुझे मिल गया क्या 1। तो मैंने इवेल्यूएट कर लिया है, उसका आंसर 1 मिल रहा है। सिंपल से सर में थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको, थोड़ा एडवांस थिंकिंग करना है, तो आपको सभी सम ईजी लगने वाला है। फॉर्मूला लर्न कर लीजिए और इसका यूज कैसे करना है, सभी टाइप के फॉर्मूला मिक्स में यूज करने होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री है, स्क्वायर फॉर्मूला है और इनवर्स फॉर्मूला है, तीन टाइप के फॉर्मूला है, लर्न करते जाइए और सीखते जाइए मेरे साथ क्लास 10 का मैथ्स। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, तभी तक के लिए गुड बाय।